नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। साल 2020 का अंतिम सूर्य ग्रहण के साथ इस वर्ष की समाप्ति होने जा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहां पर दिखाई देगा और मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, वर्ष 2020 काफी उथल पुथल और कई प्रकार की प्रतिकूल स्थितियों को लेकर आया। अंतिम सूर्य ग्रहण के साथ इस वर्ष की समाप्ति होने जा रही है। साल 2020 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर दिन सोमवार को माघ शीर्ष माह की कृष्ण पक्ष अमावस्या को रात्रि में लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा प्रभावी है क्योंकि इस ग्रहण की समयावधि में 6 ग्रहों की युति बनने जा रही है और सूर्य देव के साथ ऐसे ग्रहों की मौजूदगी है जहां पर प्रतिकूल स्थितियों का निर्माण होगा। यह ग्रहण कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। इस ग्रहण काल की जो समय है 14 दिसंबर को शाम को 7:54 पर यह प्रारंभ होने जा रहा है और यह मध्य रात्रि 12:23 पर यानी 15 दिसंबर आ जाएगा यह समाप्त होने जा रहा है। इस ग्रहण की जो समयावधि है वो 5 घंटे रहने वाली है और यह ग्रहण जहां पर दिखाई देगा वहां पर कई प्रकार के परिवर्तन को डालता हुआ नजर आएगा। ग्रहण काल के पश्चात अगले 15 से 45 दिनों में राजनीतिक कई प्रकार के उथल पुथल साथ में प्राकृतिक आपदाएं देखने के लिए मिलेगी जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा डराते हैं, उनसे आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। मेरी नजर में कोई भी ग्रहण जो होता है वो हमेशा व्यक्ति के अंदर से नेगेटिविटी को दूर करके जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने के लिए आता है। यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। इस दिन अमावस्या तिथि सोमवार रहने वाला है। ग्रहण काल जब प्रारंभ होगा तो बुध, शुक्र, केतु, सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद रहेंगे। गुरु और शनि मकर राशि में मौजूद रहने वाले हैं। कई वर्षों के पश्चात ऐसा संयोग बनने जा रहा है जिसका पूर्ण पृथ्वी पर पूर्ण रूपेण प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आगे हम आपको बताएंगे यह ग्रहण कहां दिखाई देने वाला है, यह हम आपको बता दें तो यह ग्रहण दक्षिण अफ्रीका में दिखाई देगा, अमेरिका के कुछ भागों में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर, मैक्सिको, सिंगापुर, मलेशिया, सुमात्रा, श्रीलंका और बर्मा में यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं यह ग्रहण मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा। तो ग्रहण की समाप्ति के 15 से 45 दिनों में यह ग्रहण अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों, यह ग्रहण आपके सिक्स हाउस में लगने जा रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण बहुत ही शुभकर है। इस समयावधि में आपके मान सम्मान में काफी ज्यादा वृद्धि होगी। रोग भाव में यह ग्रहण लगने से यदि पूर्व में किसी भी प्रकार की समस्या स्वास्थ्य की दिशा में थी वो समाप्त होने जा रही है। शत्रु पक्ष यदि आपको पूर्ण रूपण दबाए हुए थे तो आपसे परास्त होते हुए इस समयावधि में नजर आएंगे। ग्रहण काल के ठीक पश्चात यानी 15 दिसंबर को ही ग्रहण काल की समाप्ति के उपरांत ही सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोग भाव में मिथुन राशि के सूर्य ग्रहण का यह होने से आप पे कई प्रकार के कॉम्पिटेटिव क्षेत्रों में एग्जाम को फाइट करते हुए साथ में नजर आएंगे। प्रतियोगी चीजों में आप अपने आप को काफी आगे रखते हुए नजर आएंगे। इस समयावधि में आपके वाणी में एक विशेष प्रकार का आवेग देखने के लिए मिलेगा जिससे जीवन में तरक्की करते हुए आप ज्यादा नजर आने वाले हैं। कर्क राशि के लिए अगर कहा जाए तो यह ग्रहण आपके फिफ्थ हाउस में लगने जा रहा है। फिफ्थ हाउस का यह ग्रहण आपके लिए ज्यादा शुभकर नहीं है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता होगी। हालांकि आप अपनी सूझबूझ के द्वारा सफलदायी स्थितियों का निर्माण जीवन में करते हुए नजर ही आएंगे, लेकिन रिश्ते में मन मुटाव देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। फिफ्थ हाउस में सूर्य ग्रहण होने से कर्क राशि वाले जातकों को संतान की सेहत का ध्यान रखकर चलना चाहिए। संतान से कष्ट हो सकता है या संतान को कष्ट प्राप्त हो सकता है। इस समयावधि में विद्यार्थी जीवन में जो जातक जुड़े हुए हैं अनायास आपके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। एकाग्रता और आत्मविश्वास बनाकर आपको जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। गलत संगत, गलत कार्यों में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व ना हों।
अब आइए हम आपको बताते हैं ग्रहण काल के पश्चात कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं। जो 5 घंटे की समयावधि रहने वाली है उसके दौरान आप कुछ उपाय और सावधानियां जरूर रखें, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ऋषि ने कहा है कि चंद्र ग्रहण जो होता है उस समयावधि में किए गए उपाय 1,00,000 गुना ज्यादा फल देते हैं और सूर्य ग्रहण के समयावधि में किए गए उपाय 10,00,000 गुना ज्यादा परिणाम देते हैं। ग्रहण काल के समयावधि में ओम का जप करना श्रेष्ठ रहने वाला है। आप अपने राशि के अनुसार अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। घर के जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनका अपने मन में काफी ज्यादा आप अच्छी स्थितियों का निर्माण करें, यानी मन में स्मरण शक्ति के द्वारा उनके प्रति श्रद्धा का भाव ग्रहण काल की समयावधि में रखें। गायत्री मंत्र जो एक प्रामाणिक मंत्र है, इसका यदि निरंतर आप 108 बार जप करेंगे ग्रहण काल की समयावधि में, तो आपके मन से तनाव काफी ज्यादा दूर होगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सलाह दी जाती है तेज धार चाकू एवं अन्य औजारों से ग्रहण काल के समयावधि में छूने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक रूप से विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोग ग्रहण को अंधविश्वास मानते हैं और ऐसे स्थितियों का निर्माण कर देते हैं, तो फिर बाद में वो खामियाजा भुगतते हैं और पछतावे के अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है। ग्रहण लगने जा रहा है भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल नहीं रहने वाला है, फिर भी सावधानी और उपाय बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस बात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। भोजन यदि घर में है तो उसको ग्रहण के पूर्व आप खत्म कर लें, और यदि भोजन बचा हुआ तो उसमें आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। ग्रहण काल के पश्चात आप जरूर स्नान करें। स्नान के पश्चात आप दान जरूर कर सकते हैं, क्योंकि दान के द्वारा आप अपने पुण्य फलों को जागृत कर सकते हैं और आपके पाप कर्म दान के पश्चात नष्ट होते हैं। ग्रहण काल के समयावधि में किए गए मंत्रोच्चारण से आपके मन में एक अजीब ऊर्जा देखने के लिए मिलती है। जो मंत्र की ध्वनि होती है वो प्रतिद्वंदित होकर आपके ऊपर श्री भगवान के पास से आपके ऊपर आती है, जिससे आपको जीवन में कई प्रकार के कष्टों से निवारण होता है और एक सकारात्मक ऊर्जा पूरे शरीर में विचरण करने लगती है। इसलिए मंत्रोच्चारण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मंत्र का आप उच्चारण जरूर करें। गायत्री मंत्र है, इष्ट देव का मंत्र या ओम का उच्चारण ग्रहण काल के समयावधि में आप जरूर कर सकते हैं। गेहूं, गुड़, चावल, सोना है, काला तिल है, मूंग, लाल केसर का दान आप कर सकते हैं। ग्रहण काल के पश्चात गरीब और असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन जरूर खिलाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2020 के साथ आने वाला वर्ष 2021 आपके जीवन में नवीन उत्साह, नई ऊर्जा और अच्छी सफलता को लेकर आए। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः।